सो है व्हाट्स अप गाइस, दिस इज रितेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो होप सभी लोग बड़े होंगे। एंड गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एरेंगल 2.0 के हॉट ड्रॉप लोकेशंस के बारे में। जी हाँ, वो आपको जो अभी दिखाई देते हैं और जब आपको एरेंगल 2.0 मिलेगा तो वो कैसे दिखाई देते हैं। फिलहाल मैं एरेंगल 2.0 की लाइव करने वाला हूँ अपने सेकंड चैनल पे एक दो दिनों में। तो अगर आपको देखना है तो चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्पॉन आइलैंड से। जी हाँ गाइज, अब स्पॉन आइलैंड में आपको एक नई चीज़ दिखाई देने वाली है एंड वो होगा जो आपको क्रू चैलेंज के जो विनर्स होते हैं अब वो आपको एनिमेटेड दिखाई देंगे। वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे या वो वहाँ पर एकदम से टेलीपोर्ट होकर कोई और आ जाएगा। सही में ये बहुत गजब की चीज़ होने वाली है। फिलहाल एक चीज़ बता दूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आपको वीडियो अगर एंड तक अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्वारंटाइन में, मतलब कर देना एक सब्सक्राइब। अब अगर इसके बाद में अगर चलते हैं तो वो है जॉर्जो पूल हमारा। मतलब एक तो मैं पहली चीज़ बता दूँ कि जितनी भी चीज़ें वो पूरी की पूरे तरीके से चेंज हो चुकी हैं। अगर आपका गेम सेंस पहले की तरीके से ही खेलोगे ना तो भाई साहब अब टाइम आ चुका है कि आपको उसे बदलने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखिए, जॉर्जो पूल में जो कंटेनर्स की जो लोकेशंस हैं वो तो वही रहेंगी और सबसे जो मेन चीज़ आया ना वो आया है आपके टेक्स्चर्स पे। जी हाँ गाइस, आपको टेक्स्चर जब थोड़े मट्टी कलर जैसे पुराने से डस्टी से जंग लगे मतलब ऐसे दिखाई देने वाले हैं। और रही बात पेड़ पौधों की, वो तो बहुत सारे कहीं भी ठूस दिए गए हैं। तो कंटेनर्स जो हैं आपके देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे और जो मैंने आपको बात बताई कि डस्टी और जो टेक्स्चर्स हैं जैसे कि वॉल के टेक्स्चर्स हैं वो पूरे के पूरे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। अगर वेयर हाउस की बात करें तो वो जैसी अब है कुल मिलाकर उससे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब हाँ, अब जो आप देख रहे हो वेयर हाउस, अगर जो एंगल 2.0 वेयर हाउस देखेंगे बिल्कुल चेंजेस है। ये देखिए टेक्सचर देख लीजिए सबसे पहले, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई कारपेट यहाँ पे बिछा दी है और वॉल्स को पेंट कर दिया है। मतलब बहुत ही डिफरेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक रेलिंग हुआ करती थी वो भी आपको नहीं दिखाई देगी। मैं सही बता रहा हूँ, मसल मेमोरी पूरी की पूरी चेंज होने वाली है आपके इस गेम को लेके। इसके बाद अगर अगली लोकेशन की बात करें तो वो जॉर्जो पूल में ही है और ये है जॉर्जो पूल की ये बड़ी बड़ी क्रेन्स। तो इनमें भी मैंने वही बताया टेक्सचर्स को लेके कि अगर इनके पास में जाके इनके टेक्सचर्स को देखोगे तो काफ़ी रस्टी से दिखाई देंगे एकदम, देखिए इस तरीके से। और ऊपर पर मतलब ऊपर भी आप जाओगे तो काफ़ी चेंजेस मिलेंगे, मतलब पहले जैसा कुछ भी अब रहा नहीं है यहाँ पर। ये देखिए मगर एक बात है भाई, यहाँ से जो नज़ारा देखने को मिल रहा है ना पूरे जॉर्जो पूल का वो थोड़ा सा अलग ही फील करा रहा है। क्योंकि अगर हम अभी देखें तो हमें इतनी हरियाली देखने को नहीं मिलती है और एरेंगल 2.0 जो कि बेस है गेम फॉर पीस से लेके अब क्योंकि शांति का गेम है तो यार हरियाली देखनी तो बनती है। इसीलिए तो मैं ये सारी चीज़ें जो हैं एरेंगल 2.0 के मैप में जो आने वाली हैं, अब सबको पता है कि ये गेम फॉर पीस से लिया गया है क्योंकि सबसे पहले ये वहीं पर आ रहा है। क्या इसका जो अगली लोकेशन है वो है मतलब यहीं पर जॉर्जो पूल के जो पास में स्क्वाड हाउस है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा चेंजेस है। मतलब सबसे पहले तो यहीं पर देख लीजिए ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, हल्का सा चेंज दिखा वॉल्स पे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए थोड़ी सी शैक टाइप बना दिया है और यहाँ बाहर एक रेलिंग कर दी है, अंदर घुसने का रास्ता कुछ अजीब सा हो गया है। और यहाँ पर देखिए खिड़कियों पर शीशे लगा दिए गए हैं। वेल, शीशे तो अभी हमारी गाड़ी में भी आ जाएंगे लेकिन घरों में शीशे भाई पता नहीं कब आएंगे। अब एक चीज़ और है इस स्क्वाड हाउस में जो थोड़ी सी डिफरेंट है, अब वो ये कि इसके ऊपर एक टैंक है। अब वो टैंक पूरे से मतलब पूरे तरीके से इस स्क्वाड हाउस को बदल कैसे रहा है कि उसके पास एक तो आपको कवर मिल रहा है और सही में बहुत ही अच्छा कवर है जो कि सामने से आपको देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा आपको ये टैंक एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अब बहुत सारे जो डैमेज इफेक्ट हैं वो तो आपको मिलेंगे ही जब एरेंगल 2.0 आएगा, मगर पता नहीं है पबजी कब देगा उनको। अब इसके बाद अगला चले तो वो है स्कूल। अब स्कूल के बारे में आप लोगों को पता होगा मैंने पहले भी एरेंगल 2.0 के बारे में वीडियो बनाई है। तो जी हाँ भाई, स्कूल में एक तो जो है काफ़ी सारी घास को ऐड कर दिया गया है, जो स्विमिंग पूल है उसमें भी बहुत सारे नई चीज़ों को ऐड किया गया है, जो यहाँ पर बास्केटबॉल या फुटबॉल का जो भी यहाँ पर स्टेडियम था उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस लाए हैं। अब यहाँ पर फ्लैग वगैरह लटका दिए गए हैं और इसी के साथ में जो आपको पता होगा एरेंगल 2.0 की जो मिस्ट्री है, जो मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ पर एक स्टैचू हुआ करती थी लेकिन वो स्टैचू इस वाले एरेंगल 2.0 में नहीं है। इस वाले से मेरा मतलब ये है कि ये पबजी मोबाइल का है और जो पबजी पीसी का है उसमें और भी बहुत सारे टेक्सचर्स आप लोग हैं देखने को मिलेंगे। हाँ लेकिन बीच में ये थोड़ा कुछ अजीब सा ही है। फिलहाल इसकी मिस्ट्री तो भाई आने पर ही सॉल्व होगी।
तो आप लोग देख सकते हैं जो वॉल्स हैं, वॉल्स में थोड़े से आपको टेक्सचर दिख रहे होंगे, जैसे कि वॉल को थोड़ा सा खुर्च दिया है टाइप, जैसे जंग लगने के बाद ऐसा कुछ हो जाता है। तो देख सकते हैं छत पे से अगर हम ऊपर चढ़ के देखें तो सब कुछ बहुत ही अजीब अजीब सा और सब कुछ नया सा लगने वाला है। वेल, मैंने जब ये खेला तो उसे में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। गाइस, इसके बाद हम अगला चलेंगे मिल्टा पावर की तरफ। मिल्टा पावर की तरफ सही में सबसे बड़ा चेंजेस है। रीज़न देखिए, सबसे पहले आपको ये जो गोल गोल से दिख रहे हैं, ये मैं इनको क्या बोलूँ, इनको मैं कुछ ही बोल देता हूँ। देखिए ये सबसे पहले है, तो अभी जो हमें दिखता है वो थोड़ा ऐसी तरीके से दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर जो दो हैं उनमें से एक फूट गया है एंगल 2.0 में। खैर, ये बात आप लोगों को पहले से पता ही होगी। तो मिल्टा पावर में सबसे नई चीज़ पता क्या है? सबसे नई चीज़ ये कि यहाँ पर कुछ नए वेयर हाउस ऐड किए गए हैं, और एक तो सबसे कमाल की चीज़ है जो कि यहाँ के पूरे सेंस को बदल के रख देगा जब आप एरेंगल 2.0 खेलोगे। तो ये रहा वो दूसरा टावर टाइप, ये जो भी है ये टूट गया है यहाँ पर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था वेयर हाउस की, तो यहाँ पर एक अजीब सा वेयर हाउस ऐड किया है, जैसा कि हमको मिरामार 2.0 की याद दिलाता है, और ऐसा ही कुछ कुछ है ये। लेकिन इसमें ना उन्होंने कुछ सीक्रेट लोकेशंस, जैसे मतलब अंदर घुसने के, मतलब जो लोग होल्ड करके खेलते हैं, बेसिकली कैंप वगैरह करके खेलते हैं ना, वो बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट यहाँ पे ढूंढ के और बंदों को मार सकते हैं। ये देखिए, मतलब उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में आने का रास्ता फ़िलहाल ऐसा हमें देखने को मिलता है मिरामार की एक बिल्डिंग में। और आप देखिए, सबसे कमाल की चीज़ जो मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा चेंजेस है गाइस, वो है यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर एक पावर स्टेशन या फिर इलेक्ट्रिक स्टेशन कुछ भी कह सकते हो, ये ऐड किया गया है, जैसे कि यहाँ से बिजली वगैरह सप्लाई होती है। तो मतलब सही में ये एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहेगा हम सभी लोगों के लिए। अब इसके बाद अगला हम देखें तो गाइस, वो है प्रिजन। मतलब सही में ये तो प्रिजन है ही, और ये देखिए सामने एक पुलिस स्टेशन है। फिलहाल यहाँ पर एक नई चीज़ है, अब मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये आपको पबजी के जो इस वाले एरेंगल में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ये जो वीडियो है गेम फॉर पीस से, और गेम फॉर पीस में अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स आते रहते हैं, तो यहाँ पर ये जो ड्रैगन वाला फेस्टिवल है, तो मे बी हो सकता है कि उस समय ये आपको जो बोट यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये एक बहुत ही अजीब सा व्हीकल है, ये नीचे भी चलता है और इसके साथ ये पानी में भी चलता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ ऐड किए गए हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हैं, जो वेयरहाउस हैं उनको भी पूरा का पूरा चेंजेस कर दिया गया है। फिलहाल इसको पानी में ले जाने का टाइम तो नहीं मिला, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये गाड़ी पानी में भी चलती है, क्योंकि जोन आ चुका था और भाई इसको वहाँ तक मैं ले जाऊँ इतना फ्यूल भी मेरे पास था नहीं। तो कुल मिलाकर इतना ज़रूर पता है कि ये ज़मीन पे और पानी दोनों में चलती है। हाँ, लेकिन खुश मत होना कि ये आपको ग्लोबल में देखने को मिलेगा, इसके कम चांसेस हैं, क्योंकि ये जो ड्रैगन है ये मे बी चाइना का ही कोई फेस्टिवल है, तो उस हिसाब से ये यहाँ पे ऐड किया गया है। इसके बाद अगला बात करें तो गाइस, वो है हमारा मिलिट्री बेस। अब मिलिट्री बेस बहुत सारे लोगों का फेवरेट हॉट ड्रॉप है, तो इस बारे में यार बात करना तो बनता है। तो वेल, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हैं बिल्डिंग्स को लेके, कुछ नई बिल्डिंग्स को, और घास झाड़ियाँ बहुत सारे चेंजेस हैं। सही में सबसे पहली बात, जो आपका स्नाइपर टावर है वो तोड़ दिया गया है, पहले जैसा नहीं है। तो देख सकते हैं काफ़ी बीच बीच में स्टैचूज़ को ऐड किया गया है यहाँ पर। अब ये स्टैचू कवर लेने के लिए बहुत सारे काम आने वाली हैं, मतलब देखने वाली बात अलग है, लेकिन जब गेम को खेलोगे ना तो इन चीज़ों को हम कैसे यूज़ करते हैं ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो कैसा लगा आपको पूरा एरेंगल 2.0 के ये मैंने हॉट ड्रॉप्स लोकेशंस दिए हैं थोड़े से? तो मतलब सही में अगर अच्छे लगे हैं तो यार, मतलब दिल से यार एक लाइक करना तो बनता है, क्योंकि जाके मैच रिकॉर्ड करना फिर भाई वीडियो बनाना भाई थोड़ा मेहनत का काम है, तो सही में एक लाइक तो बनता है। जो भी चैनल पर सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब ये स्टैचू एरेंगल 2.0 की सबसे मेन स्टैचू है, और जो कि मेरे हिसाब से सिंबल है पीस का, कि भाई शांति बनाए रखो। तो चलिए गाइस, मैं चलता हूँ, मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। और हाँ सुनो, इस वीडियो को मैं छोड़ देता हूँ, आप पूरा मज़ा लेना आगे तक का, कैसा है ये मिलिट्री बेस को देखते रहना, अंदर से बिल्डिंग्स कैसी हैं सब कुछ देखते रहना। तो मैं चलता हूँ, मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।